हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह 9 बजे का वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने धोए थे कपड़े, तो मौसम तो हो रहा था ऐसा ही, तो कुछ तो मैंने हाथ से धुल दिए थे और कुछ मैंने मशीन में डाल दिए थे, पर्दे वगैरह और जो डेली पहनने के कपड़े हैं वो तो मैंने मशीन में धुल दिए थे। तो छोटे छोटे कपड़े तो मैं डाल दूँगी इस पर स्टैंड पर, पर ये बड़े पर्दे और चादर मैं कहाँ डालूँ, क्योंकि बाहर तो हो रहा है बारिश का मौसम। फिर मैंने सोचा कि चलो डाल ही देते हैं जब तक बारिश नहीं होती है, कुछ तो हवा निकलेगी, कुछ तो साफ हो सूखेंगे पर्दे। तो मैंने यहाँ पर पर्दे सारे डाल दिए हैं और सारी चादर डाल दी, और ये साइड में आप देख सकते हो ये ऊपर के दो कमरों के पर्दे, और ये जो मैं सुखा रही है तीसरे कमरे के पर्दे हैं। और आप देख सकते हो बादल तो ऐसे घने घने आ रहे हैं ना बार 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 बार, और मुझे डर लग रहा था। तो फिर मैं वहीं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए, कुर्सी बिछा कर, कि बारिश आएगी तो एकदम उतार तो लूँगी मैं कपड़े। काम तो मेरा हो गया था, बस कपड़े ही सुखाने रह रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हो कपड़े तो मैंने सुखा दिए, पर मुझे डर ही लग रहा था कि बारिश ना हो जाए। हो ही गई थी बारिश भी थोड़ी देर में, मैंने कपड़े उतार लिए थे। फिर सारे और मैं दिखा रही थी, देखती थी बारिश की, एकदम छमाछम बारिश होने लगी थी, काफ़ी तेज। थोड़ी देर ही बारिश हुई थी फिर बंद हो गई थी। तो अब मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रही थी पर दिख नहीं रही थी कैमरे में, अब दिख गया है। तो देख लो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो बस मेरा तो दिमाग ख़राब कर देते हैं ना राम जी, इतना बार बार कपड़े उतारो फिर डालो फिर उतारो फिर डालो। मेरे साथ तो सारे दिन ऐसा ही रहा था, और पायदान तो मैंने अंदर की साइड नीचे ही फैला दिए थे जिससे ख़राब ना हुए। तो कब थोड़ी देर हुई थी बारिश, खूब तेज़ बारिश हुई थी, खूब तेज़। तो फिर मैं थोड़ी देर वहीं पे खड़ी हो गई थी, अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। तो जी यहाँ पर फिर मैं बना रही थी जो मजदूर लगे हुए हैं घर पे उनके लिए चाय। तो चाय ये काफ़ी पीते हैं और तेज मीठे वाली पीते हैं, तो यहाँ पर चढ़ा देते हैं उनके लिए चाय। 3 बजे सुबह मैं 1 बजे के करीब देती थी उनको चाय, फिर उन्होंने बोला 3 बजे दिया करो चाय हमको। तो फिर अब 3 बजे मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ, और यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है। देख लो बारिश बंद हो गई, कपड़े उतारते ही 1 मिनट भी मुश्किल से हुई होगी बारिश, फिर से बंद कर दी। अब फिर सुखाऊँ कभी फिर हो जाए, आज पर्दे पता नहीं सूखेंगे या नहीं सूखेंगे मेरे, ऐसा ही होता है मेरे साथ। राम जी तो ऐसे करता है, जिस दिन ज़्यादा कपड़ा होंगे ना उस दिन ज़रूर बरसेगा। तो जी यहाँ पर हमें भी लगने लगी थी भूख, तो मैंने खाए थे पनीर चावल। जी यहाँ पर मैं आपके साथ एक हैक शेयर करना चाहती हूँ, कि जो हाँ मैंने ना यहाँ एक गमला रखा हुआ है खाली, तो उसको ले लेते हैं, उसको खाली कर लेंगे और उसमें ना मिक्स पॉट बना लेंगे, मिक्स मट्टी। उसमें मैंने कोकोपीट और ये जो बाज़ार का जो खाद आता है ना वो, उसको मिक्स करके मैंने सॉइल बना रखी है मिट्टी, और इसमें मैं डाल लूँगी, अच्छे से भर लूँगी, ये कि कोकोपीट वगैरह डाल के ना मिट्टी हल्की हो जाती है जिससे पेड़ लगाने में आसानी होती है। तो यहाँ पर ये मेरा मनी प्लांट है रखा हुआ है ना, इस मनी प्लांट में ना साइड में एक रूट निकल गई है,
तो वो लटकी हुई है नीचे, तो उसको मैं क्या करूँगी ना, ये जो मैंने गमला लिया है ना, इसको इसके पास ही रख के और इसको ऐसे ही लगे लगे जहाँ से इसकी जड़ निकली हुई है ना, वहाँ से यू पिन की सहायता से इसमें अटैच कर देंगे। ज़्यादा नीचे नहीं दाबेंगे, हल्के हाथों से इसको इसमें लगा देंगे, जिससे इसमें जो रूट है ना ये साथ के साथ इसमें ग्रो हो जाएंगी। 15 दिन में ये ग्रो हो जाएंगी पूरी, और अब तो गर्मियों के दिन है तो बरसात भी है, तो हो सकता है जल्दी भी ग्रो हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये 2 यू पिन लगा दी हैं, और ये काटेंगे नहीं हम, काटने से सूख जाती है, तो इसलिए पहले इसको इसमें ज़िंदा करेंगे, उसके बाद इसको इस मनी प्लांट से अलग कर देंगे। तो जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर ये करके और इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको इससे अभी अटैच रहने देंगे 10-15 दिन के लिए। तो बस ये वाला हैक था, जिससे हमारी मनी प्लांट अलग से लगाते हैं तो मर जाते हैं, तो ये नहीं होगा। अब तो फिर यहाँ हो गया था शाम का टाइम, तो शाम को मैंने मंदिर साफ कर दिया है, कर रही हूँ क्योंकि पूजा वगैरह होगी, भोग लगेगा, तो शाम सुबह के फूल शाम को साफ़ करने चाहिए ज़रूर। तो बस यहाँ पर मंदिर साफ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जी यहाँ पर शाम की झाड़ू का समय हो गया, तो झाड़ू भी लगा लेते हैं और कपड़ों की तह भी बना लेते हैं और बर्तन भी मांज लेते हैं, तो सारा काम कर लेते हैं अपना, फिर आपसे मिलते हैं। पहले ना भगवान के लिए भोग बना देते हैं शाम के लिए, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी मखाने की खीर। तो मखाने निकाल लेते हैं और घी में इनको पहले सेक लेते हैं।
जी यहाँ पर शाम का खाना भी रेडी कर लेते हैं क्योंकि लेट हो गए थे आज खाना बनाने में, तो जल्दी से खाना रेडी कर लेते। तो आलू शिमला की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं और रोटी। सुबह से ये टाइम हो गया है दोस्तों, काम करते करते थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अब नहीं होता मुझसे ये सब। ऊपर के पर्दे धोने में मेरी कमर टूट गई है, इतने पर्दे हो रहे हैं आज, टंग चुके हैं पर्दे। ऊपर के तीन कमरों का काम हो चुका है, लिविंग एरिया रह रहा है और भी उसमें सामान भरा है ना दोनों कमरों का, तो इस वजह से वो भी छोड़ा हुआ है। तीनों कमरे हो चुके हैं, लास्ट में मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी ऊपर की, जब वॉलपेपर वगैरह सब लग जाएंगे उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल थकान इतनी हो रही है ना, सारे दिन नोट नहीं पाती हूँ कि मिस्त्रियों को देखना पड़ता है, काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, सारा दिन ऊपर नीचे हो जाता है, बहुत दर्द कर रहे हैं पैर मेरे। चलो वैसे दिवाली पर मुझे करना नहीं पड़ेगी सफाई, दिवाली पर सफाई हुई ही मिल जाएगी मुझे। तो खाना वाना की तैयारी कर रही हूँ, सब्जी चुक चुकी है, आटा मीन दिया है, जब कोई खाना खाएगा तो बनाती नहीं मैं रोटी, ऑलरेडी के लिए मैंने भोग बनाई दिया था। तो बस फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक, आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी आगे आगे, जैसे जैसे त्यौहार आएंगे वैसे वैसे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी देखने के लिए। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।